मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे साथ इस तिरंगे झंडे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया। मैं मेरे देश के सभी एथलीट्स को, मेरे देश के सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं और हम नए सपने, नए संकल्प, अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता पैरालंपिक के लिए पेरिस जाने के लिए रवाना होगा। मैं मेरे सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत ने G20 को ऑर्गेनाइज किया, हिंदुस्तान के अनेक शहरों में ऑर्गेनाइज किया, 200 से ज्यादा इवेंट किए। पूरे विश्व में G20 का इतना बड़ा व्याप, इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ, इस बार हुआ। इसने एक बात सिद्ध कर दी है कि भारत में बड़े से बड़े काम, कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की ताकत है। भारत को किसी को भी हॉस्पिटैलिटी का सामर्थ्य भारत में सबसे ज्यादा है। अगर ये सिद्ध हो चुका है तो साथियों, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।